दोस्तों स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। मैं जुनैद अरसलान और ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हमने शहर के अनेक इलाकों का दौरा किया है घोसी लोकसभा क्षेत्र में, और वहाँ जानने की कोशिश की है कि घोसी में माहौल क्या है, किसकी सरकार बनने जा रही है, यहाँ घोसी में कौन सा कैंडिडेट जीतने जा रहा है, और ये कि इंडिया गठबंधन आ रहा है या फिर NDA। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भैया आपका नाम? आपका नाम जितेंद्र कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। क्या माहौल लग रहा है? चुनाव तो करीब आ रहा है, 1 तारीख को चुनाव है यहाँ। चुनाव करीब है, वही माहौल है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कहा है 5 किलो का राशन नहीं मिला है क्या इधर? 5 लोग राशन से थोड़ी काम चलेगा। आप 5 लोग राशन से नहीं काम चलेगा। अच्छा आप तो बता दिए, समाजवादी पार्टी आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? यही सब माहौल बना है। यही माहौल है, सब माहौल यही बना, सबका माहौल यही है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है कि यहाँ पे कोई काम ही हुई, विकास ही नहीं हो रहा है। हाँ सब परेशान है। सब परेशान है। सरकार से खुश नहीं है आप लोग? बदल खुश नहीं है। परिवर्तन चाह रहे हैं क्या लोग? हाँ परिवर्तन अभी चाह रहे हैं कि समाजवादी आए, लोग का कल्याण हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में कल्याण हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका नाम? भैया मेरा नाम आकाश ठठेरा है, मैं स्टूडेंट हूँ भैया। जी नहीं, नौकरी तो नहीं मिली है, नौकरी तैयारी में, BTC कंप्लीट कर रहे हैं। पर्चा ना खारिज हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, सबको नौकरी मिलेगी। थोड़ा सा लेट है लेकिन नौकरी सबको मिलेगी। बार बार पर्चा लीक हो जा रहा है। देखिए बार बार पर्चा लीक नहीं हुआ है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उसके लिए सरकार आगे उस पेपर को कराएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको जितने लोग फॉर्म भरे हैं पेपर देंगे। देखिए बेरोजगारी तो है लेकिन महंगाई भी है, लेकिन उसको ध्यान रखते हुए आप ये जान जाइए कि महंगाई किस टाइम नहीं थी। जिस टाइम महंगाई पेट्रोल 80 रुपया 70 रुपया था, उस टाइम किसी के पास फोन नहीं था। आज पेट्रोल आपका 90-99 रुपया है, 100 रुपया है। तो गरीबी, देखिए गरीबी है तो लोग कमा भी रहे हैं। पहले 200 रुपया मजदूरी मिलती थी, 400 मिल रही है। तो महंगाई के साथ साथ सब चीज़ बढ़ रहा है ना। पहले लोगों के पास फोन नहीं था भैया, एंड्रॉयड। आज देख रहे हैं जहाँ मैक्सिमम लोगों के पास 80% के पास फोन होगा। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी क्या करते हैं आप? हाँ क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। क्या लग रहा है सरकार जो 5 साल गुजरी है कैसी थी? ये सरकार जो है हर सरकार से बढ़िया ये सरकार है। अरे आप मुस्लिम है फिर भी BJP का सपोर्ट? हाँ। कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि सारे समाजों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे समाजों को फायदा हो रहा है। रोड का, नाले का, कहीं भी जाके देखिए, गली में देखिए तो खड़िंजा बिछरा है, तो नाली सही हो रही है, ये हो रहा है, बहुजन कर दिया। 5 किलो राशन मिला था कि ना? अरे 5 किलो मिल रहा है या 1 किलो मिल रहा है, जो हमको विकास चाहिए वो हमारा काम हो रहा है। तो कह रहे हैं वो भीख है 5 किलो राशन? हाँ 5 किलो। अरे उनके लिए भीख है, फकीरों के लिए, अमीर आदमी फकीर है उनके लिए भीख है। हाँ और गरीबों के लिए वो अमीर है। हाँ कुछ समाज के लिए नहीं। चाचा क्या कहेंगे, ये तो BJP वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? सरकार देख ली, सरकार जो काम का है तो काम होगा। सरकार BJP ने आज से 5 साल तक ले फ्री राशन दे रही है। अरे तो महंगाई बेरोजगारी कर रहे हैं, बढ़ गई है। ओहो, बढ़ गई है, कुछ चूतिया कर रहे हैं, इसके पहले बता रहे हैं, लेकिन दे रही है ना। मकान आपको दिया, आपको सब कुछ दिया। एक बात है, जो राम का नहीं वो भोसड़ी वाले किसी काम का नहीं, भाग जो हिंदुस्तान छोड़ के। मिले ला नाम के नहीं मिलता है, सब काम मोदी मोदी करो तो ठीक है। मिले चीजें मिले, बाबू क्या कहा, जिया थे मतलब सुरक्षा महसूस होता। हाँ हमको गल्ला नहीं मिलता है, मेरा कुछ नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। अरे विपक्ष कर रहा है कि चीन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। बाकी ना ये जो हम लोग रखे हैं वो कभी भागेगा नहीं। अजोगी है जो ये मंत्री हैं, AK शर्मा नहीं, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह खड़ा किए हैं। आओ चीन तुमको दिखा दूंगा, छेड़ूंगा नहीं लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं। हाँ,
बीजेपी घोसी में बीजेपी नहीं है, हम लोग छड़ी पर दबाएंगे भाई, छड़ी पर दबाएंगे। हम क्या वही है छड़ी, क्या छड़ी से क्या होगा, भाजपा है। अच्छा भाजपा, भाजपा महंगाई बेरोजगारी पर आप लोग गिर जा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पर आप लोग कहाँ महंगाई है बता दे, जाने दीजिए हमको, खाना नहीं मिलेगा, हम लोग मर जाएंगे। महंगाई बताइए मुझसे कहाँ है, रोज स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तेल कहाँ से आता है, महंगाई है तो बता दे तुम यहाँ के अंदर। अरे तो बड़े बड़े गृहस्था है, बड़े बड़े गृहस्था गरीब को तो दे दिया है मोदी, गल्ला खाओ बेटा एक रोटी खाओ, लेकिन कह रहे हैं कि गरीब के पाँव में हवाई चप्पल भी नहीं बची, विपक्ष वाले विपक्ष अरे छोड़िए विपक्ष, अरे कैसे विपक्ष वाले कर रहे हैं, गाली ना, एक बात है विपक्ष वाले कर रहे हैं, अब तक ले कांग्रेस की सरकार थी क्या फ्री में दिया है आप बता दीजिए, वो तो कह रहे 5 किलो राशन हमारी योजना थी, ये गलत है, दिए तो मोदी जी लोग, योजना कांग्रेस की थी, लॉकडाउन जो लगा उसमें ये भी नंबर है भाई, लॉकडाउन में हवाए, अरे यार आप खामोश रहेंगे, लॉकडाउन में जो भी भाजपा ने दिया फ्री में राशन डबल है कि गरीबों को मुसीबत दूर हो जाए, गरीब आदमी कमा नहीं पाएगा लॉकडाउन से अपने घर पे है, मैं राशन दे रहा हूँ, वो गरीब आदमी आए चाहे बेच के खाए चाहे अब वही खाए, जो भी खाए गरीब आदमी अपना पेट पाल रहा है, हाँ एकदम सच बोल रहा हूँ, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो चाहे जो भी है इस सरकार में बनना चाहिए फिर भी, क्योंकि मऊ का विकास होना चाहिए, क्योंकि योगी और मोदी की वजह है कि ये फाटक का पुल बन रहा है, पैदा नहीं हुआ, हाँ बनाने के लिए, हाँ कोई अभी पैदा नहीं हुआ 20 साल से, योगी मोदी की देन है कि हमारा फाटक का पुल बन रहा है, अरे उसमें तो बहुत से लोग बेरोजगार ना हो जाएंगे, बहुत बेरोजगार होंगे वो भी ठीक है, बाकी लोगों की आसानी होगी, जो टाइम व्यस्त हो रहा है उससे बचेंगे, लेकिन परीक्षा देगी कोनो सऊदी कोनो हैदराबाद कोनो हेयर कोनो हेयर भाई से लेंगे परीक्षा देनी के करे सरकार ने मुलाम हम यादो है लेकिन ओकर सरकार में देनी कोनो सरकारी भाई ना सा हमारे ना भाई तो के वोट दे जाए के मोदी मोदी के वोट मोदी मोदी तो बढ़िया चली है ठीक चलिए हाँ सरकार बढ़िया चल रही है सरकार में कोई कमी नहीं तो फिर इसी सरकार को ले आइए कहे परिवर्तन चाह रहे हैं परिवर्तन क्यों परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन इसलिए चाह रहा हूँ कि भाई अदल बदल को सरकार रहेगी तो कुछ ना कुछ जो है मतलब अदल बदल के रहेगी तो घमंड में नहीं आएगी सरकार नहीं आएगी जनता की भलाई सोचेगी जनता की भलाई सोचेगी ये सोच आपकी अच्छी है ठीक है क्या नाम पड़ेगा आपका राम वृक्ष राम वृक्ष ये कौन सा इलाका है राज पैलेस राज पैलेस के सामने जो दलित बस्ती है हाँ। तो आप किस बिरादरी से हैं बांसफोर बांसफोर दलित दलित हैं बांसफोर दौरी डाली बनाने वाले जी 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 तो आप किधर हरजनों लोग में आते हैं बार किस तो अभी नहीं कहे मतलब के समय न बताएगा अच्छा अभी कोई समय नहीं आपने तय नहीं किया है नहीं अभी नहीं मालती में या अखिलेश में या हाँ कोई कोई ये नहीं है कभी कहीं भी जा सकते हैं आप हम लोग कम से कम 2 घर हैं दोनों मिलाकर जानते हैं कि 15-16 वोट 15-16 वोट है सब मायावती को जाएगा हाँ? सब मायावती को जाएगा अब देखा जाए कि किसके जाए हाँ बहुत अभी उदासीनता है हाँ, कुछ हाँ, लोग बता नहीं रहे ना हाँ? कुछ बता नहीं रहे खामोशी है अभी हाँ, देखा जाएगा दलितों को माना जाता है कि मायावती का कोर वोटर है और मायावती को अब ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा की बी टीम हो गई है कुछ लोग कह रहे हैं देखा जाएगा ठीक है देखा जाएगा समय आने पर बताएंगे आप तब अभी क्या बताया जाएगा ठीक है ये चचा हैं ये बांसफोर हैं हाँ। और हरिजन में ये आते हैं हाँ। और ये बड़ी मेहनत से ये जो है वो डाली और दौरी ये लोग बनाते हैं चचा एक दिन में कितने सामान दिया 2 डाली होता है बस 2 डाली बस वो सब है कि नहीं तो बाल बच्चे मिलकर भी है कि नहीं तो बनाया जाता है
अब वो भी है कि नहीं तो शाम को बेचा जाएगा तभी है कि नहीं तो भोजन बन सकता है, नहीं बिका तो उपवास किया जाता है। अच्छा, मतलब भूखे पेट रहते हैं। हाँ, ना खेती है ना गृहस्थी है, कुछ हम लोग के बस यही है। एक डाली कितने का बेचते हैं? एक डाली बहुत बिकता है कि नहीं तो 100 रुपए का 90 रुपए का यही बिकता है। और दो डाली बना ही पाते हैं, पूरा परिवार लगा हाँ, रहता है। एक परिवार देखिए, औरत लोग ये भी बिने गए ये, और देखिए हम हाई है कि नहीं ये भी चीर रहे हैं। जी जी जी, तो इससे क्या होता है? ये भी बीच में तोड़ा जाता है इसको, दौरी के बीच में। अच्छा, ये सब अभी चलन में है क्या? ये तो चलन इसका खत्म हो गया, नहीं, नहीं, स्टील की आ रही है तो। हाँ, तो स्टील की आ रही है कि तो इसी के लिए ना हम लोग का रोजगार है कि नहीं तो भाग गया है। तो कुछ सरकार से मांग करिए कि कुछ आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे। मांग किया जाए, 3 साल से है कि नहीं तो देखिए सबका है कि नहीं तो आवास आ गया। जी जी, आज 3 साल से हम लोग भरे हैं, बाकी कोई है कि नहीं तो झांक नहीं रहा है कि उसको आवास चाहिए कि नहीं चाहिए। जाकर हरजन बस्ती में देखिए सबको आवास बन बन के 2 बिल्डिंग हो गया है, हम लोग के वो भी नहीं है। तो बिचौलिया से आप संपर्क कर लिए थे क्या? सबसे किया जाता है तो क्या किया, बिचौलियों से मत कीजिए, डायरेक्ट दफ्तर में डायरेक्ट भी कही है ना भी है कि नहीं तो पहचान पत्र ले जाके दिखाया गया है। हाँ, ऐसा बात नहीं है। हालांकि आपके बगल में ही आवास बना है। हाँ, चमरौटी में, चमरौटी में सब आवास है, सब आवास बना है। जाकर देख लीजिए कि घर बना है कि जल्दी उसमें पहुंच नहीं पाओगे, भुला जाओगे। हाँ, बरसात वरसात में कैसे रहते हैं आप लोग? अरे झोपड़ी में रहते हैं, ये घर में रहते हैं, क्या किया जाए। देखिए आप लोग जो है वो शहर से हैं और ये लोग बेचारे हर रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं। अब इनका दर्द हमने सुना, अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद चचा। धन्यवाद धन्यवाद बाबू, खूब आनंद रहा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तैयार करेंगे, कितने सदस्य हैं परिवार में? आए हम लोग कम से कम है 15-16 प्राणी। 15-16 प्राणी कैसे दूर थो, 3 थो दौरी किया जाए, क्या किया जाए महंगाई के इस दौर में। हाँ, महंगाई के दौर में क्या किया जाए। चलिए, सरकार से कुछ मांग नहीं करेंगे का? हम तो खुद भी न धन मांगे हैं न दौलत मांगे, हम भी यही मांगे हैं कि हमको दुनिया जनता को है कि नहीं तो तुम लोग वतन दिए हैं, आवास दिए हैं, हम लोग को एकदम नहीं दिए हैं। आवास नहीं मिला आपको? नहीं। आपका शुभ नाम है? शुभ नाम क्या बताया था आपने? बांसफोर। बांसफोर आपका नाम? वृक्ष बांसफोर। अच्छा, हरजनों में आते हैं। अच्छा, 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ, ये समय नाम नहीं मिला न, फोटो भाई न कोनो अमन के किस्ते आई। तो जब इतना परेशान हो तो परिवर्तन करबू, सरकार बदलबू, परिवर्तन करे के व्यापारी कौन परिवर्तन कर जाए? वोट उठ के जाई अरे बहन के बतावल जा बाबू वोट खाते कौन अभी मिजाज ना बनल नहीं अब अभी ना कौन मिजाज बनल सुविधे न मिले तो का मिजाज के हो मना बनो को मिजाज दुनिया के का बात तो एक साल वोट पड़ल है। आप कर जाए तो खा जाए ना कर जाए तो उपास कर जाए। जी जी, कोनो सहारा सुविधा मिलते ना है? सरकार से लेना देना नहीं है आपको, आप लोग अपना करना है। सब सरकार को कोनो लाभ मन के ना मिलल है। चलिए ठीक है, आप लोग उपवास भी करते हैं? हाँ, और सरकार बैठी के का करी कि जड़ तुहा के पूछे ही वाला ना, भरतुआ के पूछे वाला ना, एक बीता न खेत न बाड़ी न कुछ न कत्तो। आपके सामने भी हम लोग चीर रहे हैं, देखिए अब मेरा सुत के उठा नहीं अब की नहीं तो है के भी नहीं है के हम भी ना भाई, ये तो लड़की चेयर मेहरारू भी नहीं है, फिर है कि ना तो चीर बांध के साँझ 4 बजे से हाली हाली बांध के है कि ना तो के दिहाती ले जा बेचा, बेच के आवा 8 बजे 9 बजे तो बनावा खा। बताओ, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, का कह जा सब सरकारें बन के का करी कि जड़ तुहा कोई पूछते ना। राम जी तसार मऊ, क्या करते हैं? तो मजदूरी ही कर रहे हैं और क्या करेंगे। क्या लग रहा है जो 5 साल सरकार चली कैसी थी? 5 साल सरकार नहीं, 10 साल सरकार, 10 साल 10 साल की सरकार कैसी थी? और जैसे हम लोग पहले भी थे वैसे आज भी हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं, बदलाव हुआ केवल रोड का। जो भी किसानों की 2 मंजिला 4 मंजिला जमीनें थी वो सरकार ने हथिया लिया और रोटी रोजी भी हथिया ली, उससे कोई फायदा नहीं। हमारे पास साइकिल है तो 4 लाइन और 6 लेन से क्या मतलब है?
क्या मतलब? तो सरकार ने मुआवजा दिया है ना, हथियाया तो? हाँ हथियार तो मुआवजा दिया तो सब सरकार का ही तो हुआ। कुछ किसान करोड़पति हो गए उसी में, तो वो रोड पे आ गए। रोड पे आ गए, रोड पे आ गए। किसी भी गृहस्थ से पूछिए, वो मशीन 4 नंबर मशीन का पानी बेकार हो गया तो समरसेबुल लगाए, गाड़ी लिए, सब कुछ लिए, बेकार हो गया। सरकार यही चाह रही है कि जनता का पतन हो। तो क्या लोग, जनता ये चाह रही कि सरकार गिर जाए या फिर नई सरकार आए? अब डेवलप कभी हो, तभी होगा जनता का, जब सरकार उलट फेर होगी तभी होगा डेवलप। आप चाहते हैं कि अब सरकार में परिवर्तन चेंज हो, परिवर्तन हो। जैसा कि मान लीजिए कांग्रेस 40 वर्ष थी तो उसका भी तो परिवर्तन हुआ, तो कुछ तो विकास हुआ। इस तरीके से ये भी अगर सरकार खिलाफ होती है तो कोई अन्य सरकार आएगी तो जनता का डेवलप होगा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि जैसे सरकार बदलती रहे तो सरकार घमंड में नहीं आएगी, जनता की भलाई के लिए काम करेगी? जी हाँ जी, ये आप कहना चाह रहे हैं। वो अपने काबू में रहेगी, अपने हैरत में रहेगी, वरना डिक्टेटरशिप चलने लगेगी। यही कहना चाह रहे हैं जी। तो क्या लगता है, परिवर्तन की जगह पर आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी विकल्प के तौर पर है या कोई और है आपके मन में अभी? और का मतलब देखिए, इंडिया गठबंधन है वो है, लेकिन राजीव गांधी को जब चांस मिला, सोनिया गांधी जी को जब चांस मिला, मनमोहन सिंह को इन्होंने चांस देकर गवा दिया, और आज जो है जब चांस हाथ से निकल रहा है तो ये लोग ऑफर में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा जनता का मूड दिख रहा है कि 10 साल इनको देखिए बदलाव किया, अब बदलाव की बदलाव के पूरे तरह बदलाव के मूड में जनता। हाँ, जनता मूड में है, इसीलिए इंडिया गठबंधन की लहर आपके मुताबिक चल रही है? चल रही है। तो घोसी में क्या माहौल देख रहे हैं? घोसी में माहौल है कि अब प्रत्याशी कोई घूम नहीं रहे, अभी नहीं आ रहे हैं, कोई कोई नहीं आ रहा, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई नहीं आ रहा है। क्या है, इतना डर रहे हैं क्या लोग की जनता का सामना नहीं कर रहे हैं? डर नहीं रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जाए तो क्या जाए, जनता से क्या वादा करेंगे। अभी आपके नेट के चैनल के माध्यम से बता दें कि नेट पर और हर जगह दिखा रहा है कि बिजली फ्री है। अभी आप मेरे आदिपुरा जाकर देखिए, बिजली बिल जमा हो रही है, तो कहाँ से फ्री है, क्या फ्री है? केजरीवाल तो फ्री कर दिए ना। अरे तो दिल्ली में किए ना, लेकिन यहाँ भी तो दिखा रही है न्यूज कि यहाँ भी फ्री है, लेकिन कहाँ फ्री है? केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, पूरे मुल्क में फ्री कर देंगे। हाँ, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। तो क्या ये वादा चुनावी वादा नहीं ना लग रहा है आपको? झांसा नहीं, ऐसा नहीं, झांसा नहीं है। लेकिन केजरीवाल जो है दिल्ली में जो भी किए वो सुविधाजनक किए। अरे तो ये सरकार भी तो 5 किलो राशन लॉकडाउन में लगातार दी। अरे हम आपकी बात को मान रहे हैं, 5 किलो राशन दी, लेकिन किसानों से कहा उसका 10 गुना तो वसूल रही है। मतलब महंगाई बेरोजगारी पर कोई काबू नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? कोई काबू नहीं। ठीक है, धन्यवाद। क्या क्या माहौल है इधर, किसकी? ये हाथी का माहौल है हम लोग भैया, इस माहौल में है हम लोग, हाथी वाला है। कौन सी बस्ती है ये? अर्जन बस्ती है, राज पैलेस के पास। कहे हाथी में आप लोग जा रहे हैं? हाथी को कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी की बी टीम है। नहीं नहीं, वो सब गलत लोग बतिया रहे हैं, जितना लोग बतिया रहे हैं सब गलत बतिया रहे हैं, कोई सही नहीं बतिया रहा है। हम लोग को मिशन है बहन जी को पहुंचाना है दिल्ली, बस दिल्ली पहुंचाएंगे। तो पहले लखनऊ पहुंचाइए, बाद में दिल्ली पहुंचाइएगा ना? लखनऊ तो पहुंचाएंगे हम, अभी लोकसभा ना है, विधानसभा में लखनऊ होगा। तो प्रधानमंत्री बनाना है क्या? हमको प्रधानमंत्री बनाना है, हम लोग को संविधान अपना बचाना है। वो तो अभी संघर्षों के दिन में है। नहीं तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ना। अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपके विपक्ष कर रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रही है। नहीं, प्रधानमंत्री ये सब तो सोच की अलग अपना अपना सोच है। हम लोग का सिद्धांत है, हम लोग का मिशन है कि बहन जी का, बस बाबा साहब का मिशन है कि हम लोग संघर्ष करें, बस संघर्ष करें, हम लोग को दिल्ली पहुंचना है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब दलित जो है वो मोदी भक्त हो गए हैं। नहीं नहीं, जो कह रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहन जी का पक्का बाबा साहब का मिशन पर हम चलने वाले हैं, चाहे कुछ भी कोई भी कहे, हम लोग बस उन्हीं के आधार पर चलते हैं। आपका क्या कहना है भैया, आप भी वही हैं? हाँ भैया, ये जो भैया आप इनकी बात से सहमत हैं? आप भी सहमत हैं इनकी बात से? पूरी बस्ती ही जाएगी क्या बसपा की तरफ? हम लोग की पूरी बस्ती हाथी वाला है भैया, हाथी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते, ये भी बात सुनी जी, लेकिन हाथी को छोड़कर हम लोग कहीं जाएंगे। जैसे अरशद जमाल हमारे किन आ गए हमारे पार्टी में, उन लोग हम लोग जीरो जहाँ से भैया उनको जिता दिया, अगर दूसरे पार्टी में रहते तो हम उनको भी नहीं देते, लेकिन हाथी में आ गए तो उनको हम लोग दे दिए। इसलिए हाथी में अगर मतलब जो भी आएगा हाथी के निशान लेकर कोई भी आ जाए, बीजेपी का करता भी हाथी पर आ जाए, फिर भी हम लोग हाथी पे देंगे।
अच्छा मतलब आप लोगों को मायावती से लगाव है। हाँ बहन जी का मायावती से लगाव है और बाबा साहब के मिशन पर सब ध्यान को हमको बचाना है। हाँ अखिलेश भैया को तो हम लोग नहीं गठबंधन हम नहीं जाएंगे भैया साहब समझिए ना बीजेपी पे जाएंगे। ईश्वर चंद क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 600 रुपये। 600 रुपये काम चल जाता है? काम नहीं चल पाता है, बहुत महंगाई ज्यादा है। हाँ महंगाई तो हरिजन बस्ती में रहते हैं जी। तो इधर क्या मिजाज है, क्या माहौल है लोगों का घोसी में? अभी नहीं ये बता सकते हैं, जो समय आएगा वो कुछ स्पष्ट नहीं है अभी। स्पष्ट नहीं है तो आप वोट नहीं खराब करेंगे? जिधर हाँ, बढ़िया आवा रहेगा उधर हाँ, मार देंगे, उधर मार देंगे भैया। ऐसे भी मतदाता होते हाँ, हैं क्या? हाँ चलिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अपना वोट क्यों खराब करें। हाँ 5 साल में एक बार मौका आता है, वोट नहीं खराब करना चाहते? वोट नहीं खराब करें। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं, जो आए महंगाई कम करे और बेरोजगारी कम करे? हम भी तो ये भी सोचते हैं कि महंगाई कम हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। तो 5 किलो राशन वासन का फायदा उठाया आप? नहीं राशन तो मिलता है भैया, राशन मिलता है ना मिलता है। अरे गरीबों के आवास भी बन रहे हैं? नहीं आवास नहीं मिला है भैया। नहीं मिला है नहीं। क्या नाम है भैया? भैया हमारा नाम सुबेदार चौहान है। क्या करते हैं आप? यही धूप में खटता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ। अच्छा धूप में दिन भर खटते हैं, कितना पा जाते हैं दिन? और वही 400-500 रुपया से काम चलता नहीं है। कहाँ रहते हैं? रहते हैं झोपड़ी मड़ी में। कहीं काम नहीं चलता है, महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है, दाल 200 रुपया किलो, 150 रुपया किलो बेच रहा है। अच्छा और 400 रुपया कमा रहे हैं, 6 बच्चे हैं। अच्छा कैसे शिक्षा दीक्षा कैसे हो रही है बच्चों की? शिक्षा क्या देंगे, बच्चों जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने, पटरी पटरा लेकर और क्या करेंगे। तो क्या चाहते हैं इस बार? इस बार चाहते हैं कि हम लोग आजाद से रहें, खुशी से रहें, महंगाई कम हो। परिवर्तन चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? नहीं वही सरकार नहीं, सरकार कोई बदलाव चाहिए, अच्छा कानून चाहिए और क्या चाहिए। सरकार कोई भी है, सरकार कोई भी है अच्छा काम करे, हाँ, आपके हित में काम करे, बस महंगाई बेरोजगारी सब खत्म करे। 5 किलो राशन का फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। अब इसीलिए कहता है सब हवा हवाई है, सब हवा आई है। वोट आप मांग रहे हैं, आप भी जाएंगे तो कहेंगे हम नहीं खुश रहेंगे। अच्छा क्या नाम है? मुन्ना। कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में। मदरसे में पढ़ते हो? क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? साइकिल। साइकिल भाई आएंगे? कहा अखिलेश भी हम कहा देख लिए तुम? बहुत कुछ देखे हम तो। कह रहे हैं कि अभी अखिलेश भी आएंगे तो बाल्टा उल्टा लेके ढोगे? नहीं ढोएंगे। नहीं ढोना? जीतने के बाद कांग्रेस कितनी देगी? 8,500 हर महीने? हाँ सबके अकाउंट में आएगा। अच्छा मोदी जी तो 15 लाख भेजने के लिए कहे थे। वो अफवाह है। अफवाह है वो? और इनका एकदम पूरा पक्का है, देंगे। पक्का है एकदम? हाँ, देंगे ही, राहुल गांधी देंगे। देंगे। मोहम्मद मुनाजिर। मोहम्मद मुनाजिर कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं आप? लूम चलाते हैं। लूम चलाते हैं, बुनकर हैं? क्या बुनकरों की क्या समस्या है फिलहाल? कोई समस्या नहीं भैया, सब कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं। 5 साल सरकार जो गुजरी है कैसी थी? वो सरकार के बातें मत कीजिए, बेकार सरकार है भैया। क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं? भाई हम लोग का कुछ भला होना चाहिए ना। हम महंगाई से इतना परेशान है, 10 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया खर्चे हो जाता है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बचाएंगे? मतलब महंगाई बेरोजगारी से आप लोग बहुत ज्यादा है। तो वो तो कह रहे हैं कि महंगाई हर जगह है, सबकी वही हाल है। अरे ऐसा थोड़ी है, हर जगह तो आदमी उसकी कुछ सस्ता ही करना चाहिए ना। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या घोसी में क्या माहौल आपको लग रहा है? घोसी सरकार बदल जाएगी भैया। अच्छा घोसी में दूसरा कैंडिडेट जीतेगा? जीतेगा। समाजवादी का या बसपा का? समाजवादी का। ठीक, क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। क्या करते हैं आप, तरबूजा बेचते हैं क्या? कैसा चल रहा है धंधा आपका? ठीक चल रहा है। अच्छा घोसी में कुछ माहौल के बारे में मालूम है आपको, क्या माहौल चल रहा है, किसका माहौल है? भैया इधर तो कांग्रेस ही चल रहा है अभी तक। कांग्रेस राहुल गांधी जी? राहुल गांधी करें 8,500 रुपया भेजेंगे हर महीने, क्या लगता है चुनावी वादा है या क्या है? अब देखिए सरकार लोग का तो कहने की आदत है भैया, पता नहीं वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, अब हम लोग तो नहीं जानते। मोदी जी 15 लाख कहे थे ना, उनका तो अच्छे दिन आ ही रहा है भैया, अभी तक आया नहीं अच्छे दिन। राहुल गांधी भी तो नहीं वादा कर रहे उसी तरह, अब देखिए क्या हो रहा है आगे चल के भैया। मतलब घोसी में कांग्रेस जीत रही है, इंडिया गठबंधन।